नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज और मैं हूं आपके साथ आरुषि राय। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम भारत का चुनाव में। भारत का चुनाव कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे हैदराबाद लोकसभा सीट की। निजामों का नगर हैदराबाद मोतियों के लिए है मशहूर। 1984 से AIMIM का है गढ़, 40 साल से ओवैसी फैमिली का कब्जा। कुल 17 चुनावों में 10 बार ओवैसी परिवार की जीत, 6 बार पिता, 4 बार बेटा बना सांसद। क्या इस बार टूटेगा निजामों का किला? देश में जब लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में हैदराबाद सीट का जिक्र अहम हो जाता है। ऐतिहासिक रूप से यह शहर बेहद महत्वपूर्ण है, तो वहीं सियासी तौर पर भी इसकी खास अहमियत है। हैदराबाद को निजामों का और मोतियों का शहर भी कहा जाता है। यह भारत के सर्वाधिक विकसित शहरों में से एक है। तेलंगाना की हैदराबाद लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जिस पर न तो BRS यानी भारत राष्ट्रीय समिति, न ही कांग्रेस और न ही BJP की दाल गलती है। यहां सिर्फ और सिर्फ AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिशे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ही सिक्का चलता है। के बाद से हैदराबाद में लोकसभा के कुल 17 चुनावों में 10 बार ओवैसी परिवार की जीत हुई, सिर्फ 7 बार ही अन्य को मौका मिला। कांग्रेस को अंतिम जीत 1980 में मिली थी। 1984 में असदुद्दीन ओवैसी के पिता सलाहुद्दीन ओवैसी ने पहली बार कांग्रेस की जीत के सिलसिले पर ब्रेक लगाया था। उसके बाद किसी दल की दाल नहीं गली। लगातार 6 चुनावों में सलाहुद्दीन जीते और असदुद्दीन ने 4 चुनाव जीते। हैदराबाद लोकसभा सीट पर पहली बार साल 1952 में आम चुनाव में वोटिंग हुई थी। उस चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार अहमद मुहैयुद्दीन ने जीत हासिल की थी, लेकिन साल 1957 आम चुनाव में कांग्रेस ने उम्मीदवार बदल दिया। कांग्रेस ने विनायक राव कोर्टकर को मैदान में उतारा और उन्होंने जीत हासिल की। साल 1962 आम चुनाव में कांग्रेस के गोपालैया सुब्बू कृष्ण मेलकोटे ने जीत दर्ज की। मेलकोटे साल 1971 आम चुनाव में भी सांसद चुने गए, लेकिन इस बार मेलकोटे ने कांग्रेस के बजाय तेलंगाना प्रजा समिति के टिकट पर चुनाव लड़ा था। साल 1977 आम चुनाव में कांग्रेस के एस नारायण को जीत मिली, जबकि साल 1980 आम चुनाव में कांग्रेस आई के टिकट पर KS नारायण फिर से सांसद चुने गए। इसके बाद से हैदराबाद लोकसभा सीट से लगातार ओवैसी परिवार जीत रहा है। हैदराबाद लोकसभा सीट पर पिछले 40 साल से ओवैसी फैमिली का कब्जा है। इस फैमिली के सदस्य ने पहली बार साल 1984 में हैदराबाद लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। असदुद्दीन ओवैसी के पिता सलाहुद्दीन ओवैसी ने ये जीत हासिल की थी। उसके बाद से लगातार 6 बार उन्होंने इस सीट पर जीत दर्ज की। सलाहुद्दीन ओवैसी साल 1984, साल 1989, साल 1991, साल 1998 और साल 1999 में सांसद चुने गए। इसके बाद उनके बेटे और वर्तमान में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी लगातार 4 बार से इस सीट पर सांसद चुने जा रहे हैं। ओवैसी ने साल 2009 में पहली बार हैदराबाद से सांसद चुने गए थे। उसके बाद साल 2009, साल 2014 और साल 2019 आम चुनाव में ओवैसी सांसद चुने गए। क्या 5वीं बार जीत दर्ज करेंगे ओवैसी? 2024 में भी ओवैसी ताल ठोक रहे हैं। इस बार यदि परिणाम नहीं बदला तो उनकी यह लगातार 5वीं जीत होगी। पिछले 2 चुनावों से भाजपा दमदारी से लड़ रही है, मगर हार का अंतर कम नहीं कर पा रही। इस बार उम्मीद के साथ माधवी को उतारा है। चेहरा नया है लेकिन पहचान पुरानी है। माधवी प्रखर हिंदू नेता के साथ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जानी जाती हैं। गौशाला भी चलाती हैं। स्लम बस्तियों की मुस्लिम महिलाओं के सुख दुख में भी खड़ी रहती हैं। आर्थिक सहायता दिलाती हैं। सनातन की प्रखर वक्ता हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सक्रिय रहती हैं।
और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा स्ट्रीट बस के साथ। नमस्कार।